एक समय की बात है, हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य लोकों में ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक भगवान विष्णु रहते थे। उनका निवास स्थान वैकुंठ था, शांति और सद्भाव का क्षेत्र जहां वह शेषनाग की कुंडलियों पर विश्राम करते थे। जब भी ब्रह्मांड के संतुलन को खतरा होता था, भगवान विष्णु अपने दिव्य हस्तक्षेप के लिए जाने जाते थे। ब्रह्मांड की रक्षा और धर्म को कायम रखने के लिए विष्णु जी के सभी अवतार हिंदू धर्म में प्रमुख माने जाते हैं और उनकी संख्या अनेक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। आज हम विष्णु जी के उन्हीं 10 अवतारों के बारे में जानने वाले हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग तक है। मत्स्य अवतार। विष्णु भगवान का प्रथम अवतार है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। कहानी की शुरुआत सत्यव्रत मनु के साथ होती है, जो एक प्राचीन ऋषि और धर्मानुसार जीवन जीने वाले थे। सत्यव्रत मनु एक दिन नदी के किनारे तपस्या में लग गए और वहां विष्णु भगवान की आराधना करते रहे। एक दिन जब वो नदी में स्नान करने गए, उन्होंने एक छोटी सी मछली को देखा जो उनके हाथ में आ गई। मछली ने उनसे कहा कि प्रलय के समय समुद्र में से एक बड़ी आंधी आएगी, जिसके कारण सभी प्राण नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्हें समुद्र के किनारे एक विशाल जहाज बनाने की सलाह दी। सत्यव्रत मनु ने मछली की बात मान ली और अर्क बनाने में लग गए। जब प्रलय आई, समुद्र ने बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू किया और सब कुछ ढाप लिया। इस समय विष्णु भगवान ने अपने मत्स्य अवतार में प्रकट होकर सत्यव्रत मनु को अर्क में सवार करके प्रलय के जल से बचाया। मत्स्य ने अर्क को अपने सिर पर लेकर उसे समुद्र के अतिरिक्त स्थल से गुजरने में मदद की। जब समुद्र शांत हुआ और प्रलय खत्म हुआ, मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत मनु को पृथ्वी पर वापस ला दिया। इस प्रकार मत्स्य अवतार का उपदेश प्रलय से पृथ्वी को बचाना और धर्म को स्थापित करना था। यह अवतार धर्म, विनाश और पुनर्स्थान के विषय में महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है, जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। कुरुम अवतार। विष्णु भगवान का दूसरा अवतार है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। कहा जाता है एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों समेत समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए।
इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव और राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कुर्म मतलब कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ मतलब कवच पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। वराह अवतार। विष्णु के वराह अवतार की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की एक आकर्षक कहानी है, जो भगवान विष्णु की वीरता और करुणा को उजागर करती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में राक्षस हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या के माध्यम से अपार शक्ति प्राप्त की थी और पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। उसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में गहराई तक डुबो दिया, जिससे असंतुलन पैदा हो गया और सभी जीवन रूपों को खतरा पैदा हो गया। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में अवतार लिया। वराह ने समुद्र की गहराई में गोता लगाया, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था। राक्षस ने वराह को देखा और उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। वराह की शक्ति से प्रभावित हिरण्याक्ष ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः शक्तिशाली वराह अवतार से हार गए। हिरण्याक्ष को हराने के बाद वराह ने धीरे से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे ब्रह्मांड में उसके सही स्थान पर वापस ले गए। इस कृत्य ने न केवल भूदेवी को बचाया बल्कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता भी सुनिश्चित की। वराह विष्णु के सुरक्षात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करने और संतुलन बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नरसिंह अवतार। मुख्य रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में पाए जाने वाली एक शक्तिशाली कथा है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की कठोर तपस्या के माध्यम से अपार शक्ति प्राप्त की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे कई वरदान दिए। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी जीव द्वारा मृत्यु से प्रतिरक्षा, दिन या रात के दौरान किसी भी आवास के अंदर या बाहर मृत्यु से प्रतिरक्षा, किसी भी हथियार से मृत्यु से प्रतिरक्षा, इन वरदानों से हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया और उसने खुद को ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया। उसने मांग की कि सभी लोग देवताओं विशेष रूप से विष्णु की बजाय उसकी पूजा करें। उसने खुद को ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद जन्म से ही भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था। अपने पिता की चेतावनियों और उसे रोकने के प्रयासों के बावजूद प्रह्लाद ने विष्णु की पूजा करना जारी रखा। हिरण्यकश्यप का क्रोध प्रह्लाद की विष्णु के प्रति भक्ति को सहन करने में असमर्थ। हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार
मारने की कोशिश की। हर बार विष्णु ने प्रह्लाद को बचाया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से पूछा कि उसका विष्णु कहाँ रहता है। प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि विष्णु सर्वव्यापी है, यहाँ तक कि एक खंभे में भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने महल के एक खंभे पर अपनी गदा से प्रहार किया। टूटे हुए खंभे के भीतर से नरसिंह प्रकट हुए। जो विष्णु का एक भयंकर रूप था। नरसिंह एक अनोखा रूप था, आधा मनुष्य और आधा शेर, जिसके पंजे हथियार जैसे थे। वह संध्या के समय मतलब न दिन न रात और दहलीज पर मतलब न अंदर न बाहर प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे महल के प्रवेश द्वार पर अपनी गोद में बिठाया और अपने पंजों से उसे फाड़ डाला, जिससे ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान मतलब किसी भी हथियार का उपयोग न करना को पूरा किया जा सका। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह का क्रोध कम नहीं हुआ। विनाश के डर से देवताओं ने नरसिंह को शांत करने के लिए प्रह्लाद को बुलाया। प्रह्लाद विनम्रता और भक्ति के साथ नरसिंह के पास गए। प्रह्लाद की मासूमियत और भक्ति से प्रभावित होकर नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे कम हो गया।